1586 में आज ही के दिन अकबर के दरबारी कवि बीरबल विद्रोही यूसुफ जई के साथ एक लड़ाई में मारे गए थे। 1945 में आज ही के दिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान टर्की ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की थी। आज ही के दिन 1948 में भारतीय अभिनेता डैनी डैन जोंगपा का जन्म हुआ था। डैनी अपने खलनायक और सहायक अभिनेता के किरदारों के लिए जाने जाते हैं। अपने शुरुआती दिनों में ये नेपाली और हिंदी फिल्मों में गीत गाते थे। डैनी डैन जोंगपा को उनके अभिनय के लिए भारत के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आज के दिन 1952 में नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में छठे शीतकालीन ओलंपिक खेलों का समापन हुआ था। आज के दिन 1954 में एक यहूदी युवक ने हेब्रोन मस्जिद में गोलियों से 30 फिलिस्तीनियों को भून डाला था। 1975 में आज के दिन सऊदी अरब के तत्कालीन शासक शाह फैसल की उनके ही भतीजे राजकुमार फैजल बिन मुस्ताद ने हत्या कर दी थी। 1980 में आज ही के दिन ब्रिटेन ओलंपिक संघ ने ब्रितानी सरकार के विरोध और दबाव के बावजूद उसी साल जुलाई में मॉस्को में होने वाले ओलंपिक खेलों में शामिल होने का फैसला किया था। ब्रिटेन के 15 खेल संघों ने ओलंपिक में शामिल होने का फैसला किया था, लेकिन हॉकी संघ ने इसका विरोध किया था। 1986 में आज के दिन मारिया काराजोन अकीनो के फिलीपींस की राष्ट्रपति बनने के साथ ही देश में तानाशाह फर्डिनांड मार्कोस का शासन भी खत्म हो गया। मारिया काराजोन अकीनो देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। 1988 में आज के दिन सतह से सतह तक मार करने वाली भारत की प्रथम मिसाइल पृथ्वी का सफल प्रक्षेपण हुआ था। 2001 में आज के दिन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन का निधन हुआ। ब्रैडमैन को विश्व का महानतम बल्लेबाज माना जाता है। टेस्ट क्रिकेट में उनका बल्लेबाजी का औसत 99.97 है, जिसे किसी भी बड़े खेल में किसी भी खिलाड़ी से अर्जित सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है। साल 2006 में आज के दिन दीपा मेहता की फिल्म वाटर को गोल्डन किन्नारी पुरस्कार मिला। वाटर 2005 में बनी हिंदी की फिल्म है। आज के दिन 2008 में HDFC और सेंचुरियन ऑफ बैंक पंजाब के विलय के लिए शेयर अनुपात को मंजूरी दी गई थी।